नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का 3 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है दोस्तों, और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत कर लेना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर हैं जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरह था कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो दोस्तों, जोको ओडोडो हैं, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि अजलान शाह ट्रॉफी के विनर कौन हैं। तो अजलान शाह ट्रॉफी के विनर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, पोलावरम परियोजना किस राज्य की है। तो दोस्तों, पोलावरम परियोजना है वो आंध्र प्रदेश की योजना है दोस्तों, वह पश्चिमी गोदावरी जिले के नज़दीक पोलावरम परियोजना स्थित है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो इस आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों कोलेरू झील। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि चामेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो चामेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि हाल ही में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है। तो दोस्तों, 17वां लोकसभा चुनाव है वो हाल ही में हुआ है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 130वां स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि सन टीवी के संस्थापक कौन हैं। तो सन टीवी के संस्थापक है दोस्तों कलानिधि मारन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि रिपब्लिक टीवी के संस्थापक कौन हैं। तो रिपब्लिक टीवी के संस्थापक है दोस्तों अर्णव गोस्वामी। अगला प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद का समाधान कौन करता है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय है वो करता है राष्ट्रपति चुनाव का से संबंधित विवाद का समाधान। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि शिफ्ट 3 के अंदर पूछे गए। यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना दोस्तों, जिससे कि आपको एक दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि शिफ्ट 3 के अंदर पूछे गए। यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।